रहमान रहीम। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी कुक क्ले, उसके बाद जो है सिरामिक क्ले, फॉमिक क्ले और अनकुक्ड क्ले, यानी इन चारों में डिफरेंस क्या है। यानी काफ़ी लोगों को होता है कि कौन सी क्ले हम यूज़ करें, तो उसके लिए मैं ट्यूटोरियल दूंगी कि आप लोग जो है किस टाइप के फ्लावर बनाने के लिए कि कौन सी क्ले यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सिरेमिक क्ले का स्टार्ट करेंगे। सिरेमिक क्ले जो होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। एक्सपेंसिव इस तरह से क्योंकि इसका जो ग्लू होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये जो है क्ले जो होती है, इसकी क्ले होती तो बहुत ज़बरदस्त है, इसका काम बहुत अच्छा होता है। अगर आपने कोई काम ऐसा करना हो जो आपको क्ले चाहिए फ्लावर बनाने हैं वॉशेबल चीज़ के लिए, जैसे डेकोरेशन, ये मग वगैरह डेकोरेट करने हैं जो वॉश बार बार होते हों, तो उसके लिए सिरेमिक क्ले बेस्ट होती है क्योंकि ये वॉशेबल होती है, ये ख़राब नहीं होती वॉश करने से। और एयर ड्राई क्ले होती है, ये जो चारों क्ले मैं बता रही हूँ चारों के चारों एयर ड्राई क्ले होती है। और ये वाली जो क्ले होती है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये देखें, ये मैंने सिरेमिक क्ले के बनाए हुए हैं, ये सिरेमिक क्ले है और ये वॉशेबल होती है, उसके साथ साथ जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ये देखिए, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जो आप चाह रहे हैं कि ड्यूरेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और वॉशेबल हो, तो उसके लिए आप सिरेमिक क्ले को जो है चूज़ कीजिएगा। सिरेमिक क्ले बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत जल्द मैं इसकी जो वीडियो है इसका किस तरीके से बनानी है उसका जो है ट्यूटोरियल जो है वो भी अपलोड कर दूंगी। सिरेमिक क्ले जो होती है ये बहुत अच्छी होती है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, बट ये जो होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इस वजह से मैं इसका यूज़ सिर्फ जो वॉशेबल चीज़ें होती हैं उसके लिए करती हूँ। उसके बाद आती है फॉमिक क्ले। फॉमिक क्ले जो होती है वो रेडीमेड क्ले होती है, ये आपको किसी भी जो है स्टेशनरीज वगैरह में भी ईजीली मिल जाती है। और ये जो होती है ये फॉमिक शीट की तरह होती है। ये देखिए, ये एयर ड्राई क्ले होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल तो होती है लेकिन वॉशेबल उस तरह से नहीं होती कि आप इसको सिरेमिक क्ले की तरह जो है वो वॉशेबल आप इसको कहें कि बार बार वॉश कर सकें। थोड़ा सा आप इसके ऊपर अगर पानी जो है वो डाल के और इसको डायरेक्ट सूखने के लिए फिर जल्दी रख दें तो फिर ये ठीक रहती है, मगर जिस तरीके से नॉर्मल यूज़ के लिए मग और ये इस तरह की चीज़ें जो बहुत बार बार यूज़ होती हैं धुलती हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं होती। लाइट वेट होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं ये, और फ्लेक्सिबल होती हैं और यूज़ करना इजी होता है, बट ये घर में नहीं बनाई जाती, ये आपको रेडीमेड मिलती है। और इसका काम जो होता है वो जब आपने कोई बहुत हैवी ज्वेलरी बनानी हो ना, यानी बहुत हैवी सेट बनाना हो, तो फिर इसको कोशिश किया करें इसको यूज़ करें ताकि आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत लाइट वेट बने, बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी ना हो जाए। जैसे बाज़ोकत झुमके वगैरह बनाने होते हैं जो कि बहुत हैवी लुक दे रहे होते हैं, मगर वो आपने कोई ऐसा सेट बनाना है जो कि बहुत हैवी लग रहा है, उसमें फ्लावर्स और चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो फिर आप फॉमिक क्ले करें, गजरे वगैरह उसके लिए फॉमिक क्ले यूज़ करें। लाइट वेट होती है और ड्यूरेबल भी होती है, बार बार जो है वो जैसे गजरे वगैरह बनाएं तो उसमें बारीक डिटेल्स वगैरह होती हैं तो वो कपड़ों में फंस के टूट रहे होते हैं कुक्ड और अनकुक्ड क्ले जो होती है, लेकिन ये ब्रेकेबल नहीं होती उस तरीके से, ये बिल्कुल फॉमिक शीट की तरह जो है वो अपने टेक्सचर इख्तियार कर लेता है, तो फिर ये जो है वो बिल्कुल लाइट वेट होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, तो ये होगी फॉमिक क्ले। उसके बाद जो ज़्यादा क्ले मैं यूज़ करती हूँ वो मैं कुक क्ले यूज़ करती हूँ, और अनकुक क्ले मैं कुछ चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे मुझे कोई वाइट कलर में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए मैं कुक क्ले जो है वो यूज़ करती हूँ, ये अनकुक्ड सॉरी वाइट कलर के लिए मैं हमेशा अनकुक्ड यूज़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाइट कलर आता है वो ब्राइट कलर आता है वाइट, लेकिन कुक्ड में जब आप वाइट कलर यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, वो थोड़ा सा जो है वो डल सा कलर आ जाता है, वाइट प्योर वाइट नहीं आता। लेकिन जो आपका अनकुक्ड क्ले होती है उसमें आप जब वाइट कलर यूज़ करते हैं तो ये जो होता है ये प्योर जो होता है बिल्कुल वाइट आता है, ब्राइट वाइट कलर आता है, तो वाइट कलर के तो मैं हमेशा जो है वो अनकुक्ड क्ले ही यूज़ करती हूँ। और अगर आपने मैट कलर देना हो टेक्सचर, यानी एक कलर में आपने मैट कलर देना है, आपको ग्लॉसी कलर नहीं चाहिए, जैसे इसका अगर आप देखेंगे तो ये ग्लॉसी दे रहा है,
थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, ग्लॉसी दे रहा है, लेकिन यही जो है सेम कलर्स यूज़ किए हैं और ये वाला जो है ये मेरा मैट में आता है। अब कैमरा उसको उस तरीके से डिफरेंस दिखा सकता है या नहीं, मगर दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। जो कुक्ड क्ले होती है वो आपकी थोड़ा ग्लॉसी में आती हैं और थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंसी में आती हैं, लेकिन जो आपकी अनकुक्ड क्ले होती है उसमें आपका मैट कलर आता है। वो आपका जो मैट में अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए यानी मैट कलर चाहिए आपको, फिर आप जो है वो अनकुक्ड यूज़ करें। अब ये अगर आप देखें तो ये वाली मेरी अनकुक्ड क्ले का फ्लावर है और दोनों में मैंने सेम कलर यूज़ किया हुआ है, और ये दोनों में आप डिफरेंस देखें कि अनकुक्ड क्ले में कलर किस तरीके से आ रहा है और कुक्ड क्ले में कलर किस तरीके से आ रहा है, दोनों में डिफरेंस देखें। अगर आपको ग्लॉसी कलर चाहिए यानी कि फ्लावर का जो है वो ग्लॉसी टेक्सचर चाहिए और साथ ही साथ जो है आपको मैट में नहीं चाहिए, ये जो अनकुक्ड होती है ये थोड़ा मैट में कलर देता है किसी भी फ्लावर को। सेम कलर आप कुक्ड में और अनकुक्ड में यूज़ करेंगे, इसमें उसका कलर थोड़ा और तरह का आएगा जो अनकुक्ड क्ले है, और कुक्ड क्ले में उसका कलर थोड़ा और तरह से आएगा। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ये चेंज आ जाता होता है। अगर आपको कोई कलर जो है वो मैट में चाहिए, कोई भी फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी मैट में चाहिए, तो आप फिर जो है वो अनकुक्ड क्ले यूज़ करें। अब जैसे ये मेरा ये मैट में दे रहे हैं टेक्स्चर, लेकिन जो ये वाला है ये मेरा थोड़ा ग्लॉसी में आ रहा है, ये वाला जो होता है और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ रही होती है, ये मेरी कुक्ड क्ले होती है। उसके बाद जो होता है आपका, अगर ये आप देखें तो दोनों में मैंने सेम कलर यूज़ किया हुआ है, फूड कलर यूज़ किया हुआ है दोनों में ग्रीन कलर का, लेकिन ये कुक्ड क्ले है और ये अनकुक्ड क्ले है। डिफरेंस देखें आप, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता होता है। यानी अगर आप क्ले थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, कलर सेम यूज़ करें, तो आपका जो डिफरेंस आता है वो देखें ज़रा। ये मेरी अनकुक्ड क्ले है और ये मेरी कुक्ड क्ले है, और दोनों में मैंने सेम कलर यूज़ किया हुआ है। आपने कलर्स जो हैं वो मोस्टली मुझे काफ़ी जो है वो पूछते हैं कि आप कौन से कलर्स यूज़ करती हैं। मैं कलर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो मैं फूड कलर्स और जो है वो डाई कलर यूज़ करती हूँ। दोनों का जो होता है, आप जब ड्राई होते हैं तो सेम कलर आता है। जैसे ये मेरा है, ये मेरा डाई कलर है, ये मेरा डाई कलर है, ये ड्राई हो के इस तरीके से कलर दे, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। और ये मेरा फूड कलर है, रेड फूड कलर मैंने यूज़ किया है, मैं ब्राइट रेड के लिए हमेशा फूड रेड फूड कलर यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये वाला जो है ये भी मेरा डाई कलर है। आप डाई कलर जो है उसको क्वांटिटी को कम ज़्यादा ज़्यादा करते जाएं तो वो आपका कलर चेंज करता है। ये भी डाई कलर है, ड्राई होने के बाद ये देखें डाई कलर जो है ये मेरे डाई कलर्स हैं। अब अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं दोनों, ये देखें ये दोनों डाई कलर्स हैं, लेकिन एक मेरे पास कुक्ड क्ले है और एक अनकुक्ड क्ले है। दोनों में आप डिफरेंस देखें, ये जो है ये मैट कलर दे रहा है ये वाला, और ये वाला जो है ये अगर आप इसको कैमरे की नज़र से नहीं वैसे देखें तो ये आपके पास जो है वो ग्लॉसी सा कलर दे रहा होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में आ रहा होता है। हालांकि दोनों में सेम कलर सेम क्वांटिटी यूज़ हुई हुई है, बट डिफरेंस ये है कि ये वाली जो है ये कुक्ड क्ले है और ये वाली जो है ये अनकुक्ड क्ले है। दोनों में डिफरेंस अब आपको उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है अगर आप फेस टू फेस देखें तो। सिर्फ जो कुक्ड और अनकुक्ड क्ले होती है उसकी वजह से जो है वो कलर बहुत चेंज हो जाता है। ये भी मेरा जो है मैंने डाई कलर यूज़ किया है पिंक कलर में, ये मैंने यूज़ किया है मरून कलर, लेकिन मैंने बहुत लाइट क्वांटिटी में यूज़ किया हुआ है। और रेड कलर मेरा जितना भी होता है वो रेड फूड कलर होता है, मैं रेड फूड कलर यूज़ करती हूँ और ब्राइट रेड के लिए, तो वो मेरे पास काफ़ी अच्छा कलर आता है जो फूड कलर होता है। और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। होप सो आपको वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।